गाइस Xiaomi का Mi 10i मुझे ओवरप्राइज्ड फोन लगा, और मुझे पोको एक्स 3 का ना जो अपग्रेडेड वर्जन आता है कुछ उस टाइप का देखने को लगा। अब मैं इसको अपग्रेडेड वर्जन कहूँ ना कहूँ ये चीज़ें आपको बाद में बताऊंगा। मैंने इस फोन को काफ़ी देर तक चेकआउट किया क्रोमा स्टोर में जाके, और टिपिकल इंडियन यूजर के तौर पर जो मेरे को एक्सपीरियंस इस फोन के साथ था वो एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। एक चीज़ बताऊँ, इस टाइप के एक्सपीरियंस को पाने के लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि मॉर्निंग में मैं जॉब करता हूँ, उसके बाद आके मैं वीडियो शूट करता हूँ। तो अपने भाई को इस टाइप से मोटिवेट रखने के लिए, ताकि तुम्हारा भाई ऐसा एनर्जेटिक रहे, जल्दी से जो मेरा रेड कलर के हुडी की तरह सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा है इसको प्रेस कर देना, उसके साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी दबा देना। देखिए Xiaomi Mi 10i और Poco X3 दोनों के कैरेक्टरिस्टिक लुक एंड फील काफ़ी हद तक सिमिलर है। दोनों फोनों में 6.6 इंच की IPS LCD डिस्प्ले यूज हुई है। बस Mi 10i में एडेप्टिव रिफ्रेश रेट लेके आ गए, मतलब जिस तरह के टास्क आप फोन में परफॉर्म कर रहे हैं उसकी डिस्प्ले उस तरीके से अपने आप को रिफ्रेश करेगी। आप अगर गेम खेल रहे हैं तो रिफ्रेश रेट इंक्रीज हो जाएगा, कॉल कर रहे हैं मैसेज कर रहे हैं तो रिफ्रेश रेट डाउन हो जाएगा, ताकि थोड़ा बैटरी सेव हो सके। बाकी इस फोन में बैक साइड में आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं कैमरा की तरफ। अच्छा, कुछ फोटोज तो मैंने यहाँ पे खुद से कैप्चर करी, फ्रंट से भी और रियर से भी, और कुछ फोटो के सैंपल मैंने अलग अलग YouTube वीडियोस पे जाके चेकआउट किए, और जो मेरे को पर्सनली उन फोटोज के सैंपल को देखने को लगा, देखो फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो काफी डिसेंट फोटो क्लिक करता है, वो मैंने खुद भी क्लिक करके देखा। बट शिकायत है मुझे इसके रियर कैमरा के सेटअप से। देखो Xiaomi ने इसमें 108 मेगापिक्सल का कैमरा बता के कुछ ज्यादा ही मार्केट में हाइप बनाने की कोशिश करी है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में वो इतना ज्यादा यूजफुल होता नहीं है। और जो हम लोग नॉर्मल फोटो खींचते हैं वो या तो पोर्ट्रेट खींचते हैं जिसका हम लोगों को ज्यादा शौक होता है, या तो फिर हम किसी पर्टिकुलर लैंडस्केप की या नेचर की या कोई भी इस टाइप की फोटो ज्यादा खींचना पसंद करते हैं। उन फोटोज में इसका जो कैमरा है वो डिटेल्स तो ठीक ठाक कैप्चर कर ले रहा है, बट जो कलर्स हमको मिल रहे हैं ना वो थोड़ा यार उतना ज्यादा एक्यूरेट देखने को मुझको नहीं मिले, या उतने ज्यादा पंची देखने को नहीं मिले जो मैंने एक्सपेक्ट किया था। और भाई जो लोग इसके 108 मेगापिक्सल के कैमरा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ना, जो Xiaomi का हाइप है, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि रुको जरा, सबर करो, क्योंकि भाई वेट कर लो Xiaomi का एक आध अपडेट आने का, उसके बाद जो रिजल्ट इसका कैमरा निकाल के देगा उनको चेकआउट करना, तभी कोई डिसीजन लेना। वरना भाई बाद में मुझे ये मत कहना कि तुमने बताया नहीं यार। बाकी परफॉर्मेंस की बात करें तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर देखने को मिलता है। क्वालकॉम के प्रोसेसर की परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी होती है, ये क्वालकॉम का अभी हाल ही में लॉन्च हुआ प्रोसेसर है, इसकी परफॉर्मेंस भी काफ़ी डिसेंट है इस प्राइस रेंज के हिसाब से। परफॉर्मेंस में तो मेरे को कोई शिकायत नहीं इस फोन से। बाकी इस फोन में आपको एंड्रॉयड 10 MIUI 12 देखने को मिलता है, ब्लोटवेयर देखने को मिलेंगे आपको थोड़े बहुत, और MIUI 12 है तो ऐड भी देखने को मिलेंगे, हालांकि पहले के कंपैरिजन में थोड़े कम है। बाकी Xiaomi ने इसमें 4820 mAh की बैटरी दी है, जिसको चार्ज करने के लिए उसने 33 वाट का फास्ट चार्जर भी दिया है। अभी Mi 10i इंडिया में ना दो वेरिएंट में लॉन्च हुआ है, एक है 6GB रैम 128GB स्टोरेज वाला, दूसरा है 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला। पहले वेरिएंट का प्राइस Xiaomi ने जो रखा है वो है 21,999 रुपीज़, दूसरे वाले वेरिएंट का प्राइस है 23,999 रुपीज। तो ये डिवाइस ना मेरे को ओवर प्राइस लगा, जैसे मैं स्टार्टिंग में कंपेयर कर रहा था ना Poco X3, वो वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है, उसका कैमरा इससे अच्छा काम करता है। आप उसके रेट के हिसाब से कंपेयर करूं तो आप 6,000-7,000 रुपए एक्स्ट्रा पे कर रहे हो, वो भी किस चीज के लिए, केवल 5G के लिए। प्रैक्टिकली में 5G अभी आप यूज कर भी नहीं सकते, तकरीबन उसको सही से इंप्लीमेंट होने में एक साल कम से कम लग जाएगा, या हो सकता है एक साल से भी ज़्यादा, जब आप सही से ये सारी चीज़ों को यूज़ कर पाओगे, उस टाइम पर टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ चली जाएगी। तो भाई अगर आप फोन 5G पर्पस के लिए ले रहे हो तो भैया कोई दूसरा ऑप्शन देख लेना, और कैमरा पर्पस के लिए भी ले रहे हो तो भाई मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा एक आध अपडेट का वेट कर लेना, जैसे मैंने पहले बोला। तो गाइस यही था मेरा फाइनल कंक्लूजन, एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर कर दिया, इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो जिसके ये काम आ सके उसको शेयर कर देना, लाइक भी कर देना। बाकी मिलते हैं जल्दी ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।